हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मातृत्व। तो पेश है आज आप सबके लिए, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने उस्तादों के लिए, ये हेल्दी ट्विस्ट के साथ हेल्दी रागी चोको कुकीज या मिनी रागी बिस्किट्स आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए कितने कुरकुरेदार हैं, और ये देखिए तोड़ने में भी क्रंची। ऐसे में ये एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी, आप चाहे तो इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में दोस्तों। तो आइए चलते हैं इसके लुत्फ उठाने। झटपट बनने वाला ये हेल्दी नाचनी के मिनी चोको कुकीज, तो लेट्स मूव। दोस्तों आइए देखते हैं हेल्दी नाचनी के कुकीज बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। सबसे पहले ये एक बॉल ले लेंगे हम। इसमें ये बटर है, आप घी भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब इसमें हम ये पिसी हुई चीनी एक बॉल ये डाल देंगे। और बटर चाहिए और बटर हम यूज कर लेंगे। मैं इसमें होममेड गाय का ये देख सकते हैं दोस्तों, ये यूज कर ले रही ताकि और सॉफ्ट होगा ये। इसे हमें अच्छे से विस्क कर ले रही हूँ फ्लफी होने को। इस कंटेनर से हमें इसे चलाना है दोस्तों ताकि इसमें कोई लम्स में ना हो। विक्स का प्रयोग कर सकते हैं, विक्स वो तो ताकि इससे और अच्छे स्मूथ कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है। बीटर आपके घर में तो बीटर भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। सेम इतना कितना ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम फ्लफी हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो शुगर बटर एंड घी का जो मिश्रण है कितना अच्छा कंसिस्टेंसी में आ गया। ये देखिए कितना अच्छा फ्लो हो रहा है। इसे कंटिन्यूस हमें इसे चलाते रहना है, हार्डली एक डेढ़ मिनट लगेंगे इसे फेटने में। जितना अच्छा फेटेंगे आप उतनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी निकल के आएगी दोस्तों। देखिए धीरे धीरे व्हिपिंग क्रीम जैसी फ्लो में आ रहा है दोस्तों। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया। आप खाइए, बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हम डालते हैं इसमें। इसमें एक कटोरी गेहूं का आटा देख सकते हैं आप, ये डाल देना। इसको मैंने अच्छे से छान लिया दोस्तों ताकि जो मोटे मोटे दाने हो वो निकल के बाहर आ गए हैं। और ये एक कटोरी नाचनी का यानी रागी का आटा, और ये आप देख सकते हैं हॉस्टले का कोको पाउडर मैं यूज कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 1 टेबलस्पून बड़ी वाली लेंगे दोस्तों। इसे भी मिक्स इसमें 1 टेबलस्पून हमारे जो बेकिंग पाउडर है वो डाल देते हैं दोस्तों। इससे अच्छा खस्ता फ्लफी नाचने के छोटे कुकीज बनेंगे हमारे। अब इसे हमें अच्छे से चलाना है दोस्तों। इसमें सारे आटे हमारे मिक्स हो गए हैं और एज पर द कंसिस्टेंसी हमें दूध में मैं ही फेंट रही हूँ दोस्तों। दूध में हमें फेंटते रहना, चलाते रहना धीरे धीरे।
दोस्तों आपने 15-20 मिनट्स हमारा जो डो है तैयार है, ये देखिए। अब इसके हम छोटी छोटी लोई बना देंगे दोस्तों। ये बेकिंग ट्रे है, इसमें अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा मैं आटा स्प्रेड कर दे रही हूँ ताकि चिपके नहीं। आप चाहे तो इसमें बेकिंग पेपर भी डाल सकते हैं जिससे स्टिकीनेस नहीं रहेगी इसके ऊपर। अब हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारे प्यारे से चौकोस नाचने के, बच्चे भी खुश बड़े भी खुश। देख के पता नहीं लग रहा है कि इसमें नाचने के हैं। आप इस तरह से इवेंट में बच्चों को हेल्दी ड्रिंक्स के साथ उनके इवनिंग स्नैक, उनके मनचाहे स्नैक दे सकते हैं दोस्तों। तो ये हम देखिए लोई बना दे रहे हैं, हमारी लोई कुकीज तैयार हो गई है। और हाँ, बच्चों के लिए आप जो स्नैक बनाएं, कुछ भी चीज़ बनाएं, याद रखिए कि उन्हें जो डेकोरेशन है वो अच्छे से उनके मनपसंद वे में करना। फिर अंदर में उनके जो नापसंद है वो भी हिडन वे में कंसिस्टेंट कंटेंट्स के फॉर्म में डिफरेंट बारीक बारीक करके डाल दीजिए, ताकि अभी बच्चों की जो ग्रोइंग स्टेज है उनकी बढ़ती उम्र में सारे पौष्टिक तत्व उनकी बॉडी में जाना चाहिए जो हेल्प करते हैं उनकी ग्रोइंग स्टेज में, ब्रेन डेवलपमेंट में। तो ये देखिए हमारे जो 4 कुकीज तैयार हो गई हैं। आपको छोटा बनाना है तो मैं छोटा भी बना के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये छोटा, ये देखिए इस तरीके से। छोटे छोटे कुकीज आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। पूरा परफेक्ट शेप भी आता है, देखिए हमारे चौकोस कितने अच्छे बन रहे हैं। सेम वे में बड़ा सा डो ले लेंगे, उसे हाथों की मदद से ऐसे फैला लेंगे ताकि हमारे बड़े बड़े कुकीज तैयार हो जाए। ये देखिए हमारे प्यारे से मिनी बोल सकते हैं नाचने के कुकीज, तो प्यारे लग रहे हैं देखने में भी। इसे क्या है, एक बार में आपके मल्टीपल कुकीज तैयार हो जाएंगे दोस्तों। ये देखिए बच्चों को भी फंक्शन हुआ, कुछ पार्टी भी, तो इसे हम इस तरीके से रख देंगे। थोड़ी जगह कर देंगे, अब इसमें डिजाइन कर देंगे दोस्तों। ये विद द हेल्प ऑफ फॉर, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं इसे फ्लैटन कर दे रही हूँ फोर्क की मदद से। हम देख रहे हैं डिजाइन के फॉर्म में उभर के आ गया, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं दोस्तों। चोको चिप्स जो है डिफरेंट पैटर्न के, ये देखिए चोको चिप्स मेन लाइन। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से डाल सकते हैं, बट ये रेसिपी का नाम रागी चॉकलेट कुकीज है, तो इसमें चोको चिप्स तो डालना कंपल्सरी बन जाता है दोस्तों। और हमारे लिटिल मशरूम्स को तो चॉकलेट्स का बहाना चाहिए। तो ये देखिए बीच में मैं ब्लैक और साइड में वाइट डाल दे रही हूँ। आप कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं अच्छे से। आपके पास छोटी जी है अपने ओवन को 190°C में रीहीट करने रख दे रही हूँ दोस्तों। तब तक हमारा ये डेकोरेशन कंप्लीट हो रहा है, तब तक हमारा ओवन भी रीहीट हो जाएगा दोस्तों। ओटी जी माइक्रो ओवन सब में अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें टाइमिंग लगता है दोस्तों। तो ये देखिए हमारे मिनी चोको कुकीज नाचने के कितने अच्छे लग रहे हैं, बच्चे भी खुश बड़े भी खुश। विद हेल्दी वर्शन ऑफ, इसे बच्चों को कैल्शियम फाइबर सब जाएगा।
तैयार है नाचने के, यानी रागी चोको कुकीज या मिनी रागी बिस्किट्स भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। उसमें मेरे पास टूटी फ्रूटी भी है, वो भी थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं दोस्तों, जिससे क्या है बच्चे भी खुश हो जाएंगे। मैं टूटी फ्रूटी बहुत पसंद है, थोड़े से इसमें मैं डाल देती हूँ। बच्चों के लिए जितने आप कलरफुल डेकोरेशंस करेंगे उन्हें वो ज़्यादा पसंद आता है। ये देखिए हमारे प्यारे मिनी नाचनी के मिनी बिस्किट तैयार है बेक होने को। ऐसे हम 8 to 11 मिनट्स बेक करते हैं, तो आइए चलते हैं। अब हमारा ये जो माइक्रो ओवन है इसमें हम बेक करने रख देते हैं दोस्तों। Thank you.